इंदौर में एसएएफ में पदस्थ ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृत दंपति की नाबालिग बेटी गायब है। मृत दंपति की नाबालिग बेटी के दोस्त ने घटना को अंजाम दिया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। गुरुवार की सुबह जब दंपति के कमरे का देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अंदर झांकने पर दोनों लहूलुहान अवस्था में कमरे में पड़े मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उधर मृत दंपति की नाबालिग बेटी भी गायब बताई जा रही है, इसीलिए पुलिस को नाबालिग बेटी के दोस्त पर हत्या का शक है। यह घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित रुक्मणी नगर की है। पुलिस के मुताबिक ज्योति प्रसाद और नीलम सुबह जल्द उठ जाते थे, लेकिन गुरुवार की सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर भी मामले को सुलझाने में लगी हुई है। एक एसएफ में ड्राइवर है और साथ में उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है। चाकू से उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियां जुटाई गई, इसे स्थिति काफी अस्पष्ट हो गई। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।